लोहे की बेड़ियों में जकड़ी हुई जिंदगी, हर आने जाने वाले को निहारती उसकी आंखें मानो यही कहती है कि अब तो इन बेड़ियों से मुक्ति दिलाओ। उसकी आंख से जब आंख मिलती है तो मानो कलेजा कांप उठता है। ये दर्द भरी कहानी है सरदार शहर से 33 किलोमीटर दूर रहने वाले लालचंद जाट की। तकरीबन 14 साल पहले अपने गांव से शहर निकलने वाला हंसता खुश रहता लालचंद, उसे क्या पता था कि जब वो शहर से लौटेगा तो उसकी जिंदगी दोजख बन जाएगी। आज के माहौल में जहां हम पालतू जानवरों को भी बेड़ी बंधनों से दूर रखते हैं, ऐसे में लालचंद जाट की जिंदगी एक पेड़ के इर्द गिर्द बनकर रह गई है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं लालचंद का दर्द। गांव वाले बताते हैं कि लालचंद 14 साल पहले सरदार शहर में किसी काम से गया। वहां से जब वापस घर आया तो कुछ देर बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगा। लालचंद की हरकतें बढ़ती गई और धीरे धीरे लालचंद मानसिक रोगी बन गया। हालात बेकाबू हुए तो घर वालों ने बीकानेर, जयपुर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी लालचंद की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लालचंद किसी को हानि ना पहुंचा दे, इसलिए परिवार ने थक हार कर 9 सालों से बेड़ियों में बांध रखा है। लालचंद के परिजनों का कहना है कि मानसिक रोगी होने की वजह से उसे घर में साकल से बांध कर रखना होता है। क्यों नहीं हो पाया? ये मेरा बाबा का बेटा है, मेरे बाबा की स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए उनका इलाज नहीं हो पाया। कोशिश करी थी इलाज करवाने की? जी कोशिश करी थी, हम तो सही करना चाहते हैं। प्रशासन से यही पुकार है कि इसका इलाज हो। प्रशासन से कोई सहायता मिली? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। इनको पेंशन वगैरह कुछ मिलती है? मिलती है, 760 रुपए से कहते हैं। और कोई सरकारी सहायता इनको? नहीं, कुछ नहीं। आपका नाम? सावित्री। सावित्री लालचंद नाम है इसका। सरदार सर गया एक बार, जिस बाद में वो आंता हुआ, बाद में दिमाग से खींच गया, उस बाद में वो भाटा दगड़ फेंकने लग गया, फिर बाद में इसको मान दिया। फिर घर वाले सब, एक माँ है, एक बाप है और एक बड़ा हुआ भाई है, वह भी दिमाग की स्थिति कमज़ोर है। कभी इलाज करवाया नहीं करवाया इनका? एक बार ले गया जयपुर, भी बाद में 10-15 दिन सही रहा था, भी बाद में पत्सा दगड़ बाटा फेंकने लग गए थे। इनका इलाज कमज़ोर स्थिति है। पिताजी है जो 70 वर्ष का हो गया, मंगवास्ते कोई काम मजदूरी कोई ले जाना नहीं चाहे, काम हो गया कोई नहीं, स्थिति कमजोर है, वास्ते इलाज नहीं है। प्रशासन की मांग करो आप इलाज की। आपको नाम? मांगी लाल मान। 15 साल के बंद रहे, मारो बेटो है, इनकी माँ कटे मजदूरी करने गई है, और बाप ने कोई ले जाए कौन जमा, बीमार आदमी है, बुढ़ो, वो एक ऐसे वो पागल है, और के कर सरकार फायदो करे तो मारे छोड़ने की दाप मिलना जरिए ठीक कर दे तो, और तो के कहा जब मैं जब मंग बल टोट करूँ मारकन कोई समाज कौन नहीं सही एक सौ रहा नाम की है रुकमा। ऐसे तो लालचंद चुपचाप बैठा रहता है, पर लालचंद को बीच बीच में ऐसे सरारे उठते हैं जिससे वे पागलों की तरह हरकत करने लगता है और लोगों के घरों में पत्थर मारने लगता है। लालचंद पिछले 9 सालों से अपने ही घर में कैद है। घर वालों ने बताया कि लालचंद की पेंशन शुरू करवाने के लिए प्रयास भी किए गए, तब जाकर 12 महीनों से मात्र 750 रुपए पेंशन के मिलते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, लालचंद बाहर ही सोता है। लालचंद को जिस पेड़ से बांधा गया उसी के पास शौचालय बना दिया और उसी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना दी गई। साकल से खोलने पर वे कभी भी कोई भी हरकत कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि 14 साल पहले उस दिन के बाद लालचंद की ऐसी दशा हुई, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहता। पहले से ये सदासर गया था, वापस आया तो ये अजीब हरकत करने लग गया और फिर पत्थर मारने ऐसे, फिर गांव वालों घर वालों ने इसको बांध दिया और प्रशासन से कोई इसको फायदा नहीं मिला, इस वजह से ये बंधा हुआ है। इसका इलाज कराना चाहते हैं, प्रशासनिक सहायता मिले तो। आपने कई बात की प्रशासन से?
हमने तो कोई परेशानी बात, पहले राठौड़ साहब आए थे एक बार पहले, उस टाइम इसको थोड़ा बहुत इलाज के लिए जयपुर भेजा था। हम प्रशासन से मांग करते हैं रघु शर्मा जी से जो इसका कुछ इलाज कराए तो उसका बच्चा कुछ खेलना फिलने लग जाए। मेरा नाम दौलतराम, हमारे गांव का बेटू है और परेशान हो रहा है, घर में स्थिति कमज़ोर है, तो इसका इलाज होना ज़रूरी है। कोई प्रशासन है, कोई और डॉक्टर कोई भी करावे तो इलाज का होना ज़रूरी है। घर का लोग के एक बार मजदूरी करे सारे गुजर का आदमी हो गया, मजदूरी हुआ है हो रही नहीं है, परेशान हो रही है बड़ू भारी। तो भाई की स्थिति भी ठीक होने बतावा, भाई भी पर कोई हो रही है, दो लड़का है दोनों भी मतलब खराब हो रहा है। आपको नाम? मेरा सोहन राम नाम है। लालचंद के परिवार की मजबूरी है कि उसके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से लालचंद के बुजुर्ग पिता और माँ दूसरों के घरों में मजदूरी कर सदस्यों का पालन पोषण करते हैं। परिजनों ने बताया कि पहले तो शुरू में लालचंद का जयपुर और बीकानेर में इलाज कराया। इस दौरान उनकी जमीन और लालचंद की माँ के गहने भी बिक गए, लेकिन अब तो दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में लालचंद का इलाज कराने में परिवार सक्षम नहीं है। इस दुख से लालचंद के बड़े भाई की भी मानसिक स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई है। बाइट डीपीके न्यूज के रिपोर्टर हनुमान प्रसाद सोनी जब लालचंद से बात करने पहुंचे तो लालचंद अजीब अजीब हरकतें करने लगा। जब पूछा गया कि वह खुलना चाहता है तो उसने कहा हाँ, उसने कहा वह खेत जाना चाहता है। लालचंद की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका बड़ा भाई भी मानसिक रूप से परेशान हो चुका है और बहकी बातें करता है। गांव के लोग बताते हैं कि लालचंद की यह दशा देखकर वे भी दुखी हैं। उन्होंने लालचंद की हर संभव मदद करने की कोशिश की, लेकिन इलाज में खर्च ही इतना है कि उसका इलाज संभव नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार लालचंद की मदद को आगे आए तो लालचंद को मुक्ति मिल पाएगी। लालचंद की मुरझाई आंखें हर आने जाने वाले व्यक्ति को इस नजर से देखती है कि शायद ये मुझे इन बेड़ियों से मुक्ति दिलाए। लालचंद के साथ साथ परिवार और गांववासी भी बेड़ियों से मुक्त होते देखना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लालचंद का इलाज हो जाता है और उसकी बेड़ियां हट जाती है तो गांव में होली और दिवाली मनाई जाएगी। परिवार को और ग्रामीण को अब भी आशा है कि शायद लालचंद फिर से अपने खेतों में जाएगा और गांव की गलियों में घूमकर परिवार का सहारा बन पाएगा। लालचंद की बेड़ियों से जकड़ी ये जिंदगी आज मानवता को चुनौती दे रही है। डीपीके न्यूज के लिए हनुमान प्रसाद सोनी की रिपोर्ट।